वंदे मातरम दोस्तों, आपके सामने में है धामन घोड़ा पछाड़ रैट स्नैक। नहीं है चाचा के मोबाइल में भेज देख है पब्लिक कलर पब्लिक कलर। आजा देखिए भाई, बहुत बड़ा है यार, देखा ना आजा आजा हो मिला तो कल भी यही वाला रहा, अभी तो ये कुछ छोटा है, इसकी लंबाई 8 से 10 फीट तक हो जाती है और कहते हैं गांव में कि ये पूंछ से वार करता है तो जिससे सड़न पैदा हो जाती है वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ नहीं है, खतरा महसूस होने में काटता जरूर है ये और दांत अपने पूरे तोड़ देता है, इतना जोर से काटता है, पर ये बिना विष का सांप होता है। टीटी का इंजेक्शन ले लेना चाहिए अगर काट लिया है इसने। और दूसरी बात यह है कि एक जो गांव में लोगों के अंदर गलत फहमी होती है, ये पूंछ से क्या करता है कांटा मार देता है, ऐसा कुछ आप गौर से देख सकते हैं, इसकी पूंछ कहीं कांटा नहीं और ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ क्या है, ये भ्रम है लोगों को, कहते हैं कहीं भी लग गया कांटा वगैरह तो वो सड़न पैदा होती है, ऐसा कुछ नहीं। आपके सामने है, अभी इसका रेस्क्यू किया गया है, लगभग 500 ईंटों के बीच में घुसा हुआ था एक छोटा सा बच्चा। इधर आओ भैया, आप डरो मत, इधर आओ। ये बच्चा है, ये बच्चा सुबह ब्रश कर रहा था, इसने इसका मुंह देखा और ये जो है बेचारा डर के मारे पीछे को भगा है। मम्मी पापा को इसने बताया तो सब थोड़ा सा फेयर में आ गए, टेंशन में आ गए कि हाँ बच्चे ने सांप देखा है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ से हमने एक तो कॉमन बुल स्नैक का भी रेस्क्यू किया था और इस बच्चे की जो है सूझबूझ से ये सांप की भी जान बच गई और लोगों का डर और बहम भी दूर हुआ। आप देख रहे हैं भीड़ यहाँ पे, लोग बेचारे खड़े देखने के लिए। और जितना छोटा सांप होता है उतना ही ज्यादा ये फुर्तीला होता है, थोड़ा आक्रामक भी होता है और सही समय पे ये मिल गया, देखिए फंदा मारने में माहिर होता है। तो चलिए, इसका सफल रेस्क्यू हो गया है, इसको ले चल के सुरक्षित ठिकाने पे छोड़ते हैं। और लगभग आप देख रहे हैं पीछे में 500 ईंटें थी, इसी बहाने ईंटे भी साफ हो गए, सफाई करना भी था, कोई बात नहीं। अब इसको ले चलते हैं, सबका हम एक बार शुक्रिया अदा करते हैं जो आप लोगों ने बताया, इसकी भी जान बचाई। दोस्तों आप देख रहे हैं बहुत ही शर्मीला और तेज दौड़ने वाला स्नैक होता है ये, बहुत प्यारा होता है, कभी भी इसको मारना नहीं चाहिए। ये सब जीव जो है प्रकृति के सहायक जीव कहलाते हैं और ये सांप कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। लोगों के अंदर भ्रांति होती है कि काट लेगा तो ये होगा वो होगा, प्रैक्टिकली तौर पे हम आपके सामने दिखा रहे हैं। ये है मेरा शर्ट और ये सांप जो है ये मेरे अंदर में गया, देख लीजिए छुपने के लिए। और ये सिर्फ अपना बचाव करते हैं, हाँ अगर उनको थोड़ा सा लग गया कि हाँ खतरा है तभी ये बाइट करेंगे, नहीं तो ये सांप कभी भी बाइट नहीं करते हैं। ये देखिए मेरे शर्ट में घुसा हुआ है आपके सामने में, पर ये कुछ नहीं करेगा। हाँ, अपना मान लो लेते ना, तो
दोस्तों ये देख रहे हैं, रुको रुको अपने मॉल में ले लो पहले, नागराज को हम छोड़ने के लिए जा रहे हैं, नागराज नहीं है सॉरी, ये जो है घोड़ा पछाड़ धामन स्नैक है, बहुत ही प्यारा होता है ये सांप, मारना नहीं चाहिए दोस्तों, कभी भी नहीं मारना चाहिए इनको, बहुत प्यारे शर्मीले जीव होते हैं। लोगों के अंदर क्या है कि डर होता है, डर के वजह से ये लोग इनकी हत्या कर देते हैं, ये गलत बात है।